की जरूरत नहीं है, आप तैयार हो जाओ। रोड खुद बनाएंगे तो हम डीप रोड खुद बनाएंगे पब्लिक। हाँ, रिस्टोर होता है हमारी स्कीम जिसके तहत, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद डीसी साहब पे पूरी है, जो बातें उन्होंने बोली उस पर पूरी हमें उम्मीद है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो। तो चेयरपर्सन जी, मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा। डीसी साहब हमारे आज हैं, कल ट्रांसफर वो मुलाजिम हैं, आप हमारे लिए मुस्तकिल हो, आप इस बात को इस दिमाग में देख लो। आपको 3 MLO की पावर है और आपका जो एरिया है वहां इशमार से लेके दगन टाप तक 11 रोड है, सीधे बिशिंदे को टच कर रहे हैं। हमारा एक रोड इलाका बराबर हमारा और आपका, हमारा बिल्कुल पॉपुलेशन भी शायद बराबरी होगी। अगर आपने हम पे जुल्म करना है, आप हमारे सर के ताज हो, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी गरीबों से सही बात तो होती नहीं है, कुछ गलती करेंगे, लेकिन फिर आप हमारे सरताज हो, आपने मेहनत करनी है। एलजी के पास मैं नहीं जा सकता, ना रहेगा। अगर जिसने भी ये फॉल्ट किया, पकड़ो उसको, कि ये इतना 30 साल का हमारा जो ये इतनी मेहनत थी उसको जाया किसने एक रात में कर दिया। हम तो मुतमिन हो गए, बड़े गुस्से में थे जब डीसी साहब ने बात की। मैं मुबारक देता हूं डीडीसी को, 10 किलो का वजन है, चलो शुक्रिया उसने आवाज सुनी। आपको बड़ी मेहनत से चेयरपर्सन बनाया हमने लड़के, और आप आराम तल स्कॉर्पियो में हम भी घूम सकते हैं किराए में एक दिन किसी को लेके। आपको इनको नहीं देखना है, आपने हमारी मुसीबतों को देखना है। अगर मैं ये दावे से कह रहा हूं इस अवाम के भरोसे और उस अल्लाह के भरोसे पे, अगर आपने हमारी स्कीम को वापस नहीं किया, हम ये 70 मीटर जो रोड है इसको खुद बनाएंगे। कोई जरूरत हमको आपकी हाथ आया था 6 महीने से, हम 2 साल से हमारी माए बहने हमारे बुजुर्ग अगर उधर तपस्या कर रहे हैं, यार निकलेंगे, इनको बोलेंगे 10-10 बूढ़े निकलो सफेद दाढ़ी वाले। उसके महीने में जब फ्लड आता था हमारा माल रुक जाता था, इतनी इतनी पस्सी हम 2-2 आदमी निकाल देते, अपने माल को क्रॉस कर देते, लेकिन हम मर गए भरोसे पे। हमने ये पूरा भरोसा रखा था कि हमको गहड़ू की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अफसोस हम इस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे वो मुर्गे को भी बड़े तकबीर शकबीर करके जबा करते हैं, उनको बगैर पूछे ही लम्बे कर। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैंने कहा आपको, आप मेरे मेहमान हो, मेरे घर में भी आए हो, तो इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन लड़ाई आपके साथ जरूर हो, ये मैं आपकी पूरी शुक्रिया। आज मैं एक्स सरपंच साहबान दोनों रैम्पलर उनियाल और सनावला सरपंच ने जो बातें की, तो हम जो टी आर एस हैं हम भी इनके ही नक्शो कदम पर। ये बात सच्ची है कि हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन जो बड़े जोश अखरोश से हमने ये कुर्बानियाँ दी थी, सवाब ने कुर्बानियाँ दी थी, और आपको अल्लाह तबारक व ताला ने उस फाइज चेयर पे फाइज किया है जहाँ पे आप हासिल कर सकते हैं, तो हमारी ये उम्मीदें आपसे बनी रहेंगी। इस रोड की भी मैं दास्तान बता दूँ, थोड़े लोगों को ये पता है, चोरी की थी, चोरी ये की थी कि पीटीडी का पोल टूटा हुआ था, उस पोल को हमने उस कलवट की जगह उसको दबाया हमने, तो जो चश्मे का पानी था वो हमने क्रॉस करवाया था, वो तो जब भी पानी आता था, जब भी बारिश पड़ती थी। मौजूद है सर, इसका वहाँ कुछ नहीं हुआ है, वो जगह जो है वो ठीक है, खुला जगह है। रोड बना हुआ है सर, आज दिन तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैसा नहीं लगाया सर, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग भी हुई सर, एक ब्लैक टॉपिंग जो है वो इस वक्त तक अभी पाए तक मिले, जो MLA मोड बोलती और बस्ताला गली तक सिर्फ वो है सर, आज दिन तक भी ब्लैक टॉपिंग हुई, लेकिन एक दिन होती थी तकरीबन 1.5 महीने के बाद वो हवा में उड़ जाती थी सर, उसकी भी कम से कम कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई थी सर। अब ये जो विजय साहब ने ये बात बोली, ये बात सच्ची है,